28 नवंबर को राहुल गांधी ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए उसके बारे में लिखा कि ये एक बड़ी ही दुखद फोटो है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों और जवानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस तस्वीर में एक बुजुर्ग किसान प्रदर्शनकारी को एक सुरक्षाकर्मी लाठी मारते दिख रहा था। इस ट्वीट को कोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने इसमें राहुल गांधी की दिखाई तस्वीर को प्रोपेगेंडा बताया और उसी मौके का वीडियो दिखाते हुए लोगों को बताने की कोशिश की कि असलियत क्या थी। असल में ये अमित मालवीय की दिखाई जा रही असलियत थी। अमित मालवीय ने जो क्लिप दिखाई वो घटना का एक बेहद छोटा हिस्सा मात्र थी। इस दृश्य से ठीक पहले किसान पर दो और सुरक्षाकर्मी लाठी बांध चुके थे। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो को देखेंगे तो सब साफ हो जाएगा, लेकिन अमित मालवीय ने बड़े करीने से इसके सिर्फ उस हिस्से को दिखाया जिसमें सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी दिखता है जिसकी लाठी उस बूढ़े किसान को लगने से चूक गई थी। असल में इस वीडियो के पीछे है पॉलिटिकल कीड़ा नाम का वीडियो चैनल, जिसे इससे पहले कई मौकों पर भाजपा और राइट विंग के पक्ष में प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते हुए देखा गया है। जब आप इस लंबे वीडियो को देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि इस बुजुर्ग किसान पर लाठी पड़ी है। यहां आप यकीन से नहीं कह सकते हैं कि लाठी असल में लगी ही है, क्योंकि ये वीडियो शूट ही ऐसे एंगल से हुआ है। लेकिन इस वक्त एक आवाज आती सुनाई देती है। आप इस वीडियो को एक बार आवाज समेत देखें और सुने। हमने पीटीआई के फोटो जर्नलिस्ट रवि चौधरी से बात की। इन्होंने ही ये तस्वीर खींची थी। इन्होंने हमें बताया कि ये तस्वीर इन्होंने ही खींची थी, लेकिन ये बात वो कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि लाठी किसान को लगी ही थी, क्योंकि उस वक्त आसपास काफी ज्यादा शोर था। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर रही थी और किसान दूसरी दिशा में खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। अगर बुजुर्ग किसान को इस पुलिसकर्मी की लाठी नहीं लगी है तो दूसरे किसी पुलिसकर्मी की तो लगी ही होगी। रवि चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ और तस्वीरें भी शेयर की हैं। लेकिन मान लेते हैं कि इस किसान को पुलिस की एक भी लाठी नहीं लगी थी, तो भी क्या एक 3 सेकंड की क्लिप से यह साबित हो जाता है कि पुलिस और बाकी सुरक्षा कर्मियों ने बल प्रयोग किया ही नहीं? यह घटना सिंघू बॉर्डर की है, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ का बॉर्डर है। फेसबुक पेज द कंटाप ने प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में किसान और पुलिस दोनों बैरिकेड से पत्थरबाजी करते हुए दिखते हैं। आप ये वीडियो खुद देखें। पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं ऊपर से, पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं ऊपर से, पत्थर किसानों की तरफ से मारे जा रहे हैं। ये देखिए, पहले किसानों की ओर से पत्थर मारे गए और फिर पुलिस की तरफ से भी जवाबी पत्थरबाजी की गई। आप सभी से अपील दोस्तों, जो भी लोग, ये देखिए लगातार उधर से पत्थर आ रहे हैं। ठीक इसी जगह पर जब बैरिकेड नहीं तोड़ा गया था, तब का हाल एनडीटीवी के इस ब्रॉडकास्ट में देखा जा सकता है। सीधे सिंघू बॉर्डर से जहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों को बोला जा रहा है कि आप पीछे जाएं। अब एक दफा फिर से उन्हीं बुजुर्ग किसान के बारे में बात करते हैं जिनकी तस्वीर राहुल गांधी ने और वीडियो अमित मालवीय ने डाला। इनका एक वीडियो ललन भाई नाम के फेसबुक पेज पर अपलोड किया हुआ मिला। इस वीडियो में बुजुर्ग किसान के हाथ में चोट दिखाई देती है। पूरी बांह देख लो, डंडे मारे हुए ने ये भाजपा दी मोदी दे मस्टंडिया ने गुंडिया ने। यानी सिंघू बॉर्डर के जो विजुअल्स हमें दिख रहे हैं उनके अनुसार वहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे, लाठियां भांजी जा रही थीं और भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय एक 2.5-3 सेकंड की क्लिप के दम पर यह साबित करने में लगे थे कि हिंसा की बात कर रहे लोग प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं।